ओ कैसे हो पोकोयो और कैसी हो लूला? ठीक हूँ। क्या तुम दोनों सैर पर निकले हो? अरे ये क्या है उड़ता हुआ? पोकोयो ये तुम क्या? अरे 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 ओ समझ गया, तुमने नया दोस्त बनाया है ना? पर इस तरह इसके पीछे दौड़कर तुम थक जाओगे पोकोयो। अच्छा ये बताओ, क्या तुम जानते हो इस सुंदर से जीव को क्या कहते हैं पोकोयो? सोचो सोचो और जोर डालो दिमाग पर। क्या तुम्हें नहीं पता? क्या आप लोग पोकोयो की मदद करेंगे? क्या आप पोकोयो को बताएंगे ये है क्या? ये एक तितली है। बिल्कुल सही, ये एक तितली है। पर ये क्या पोकोयो? फिर से वही कोशिश। ओ पर लगता है तितली फिर उड़ने लगी है। अरे रुकना पोकोयो, तुम्हारे साथ। अरे किधर गए पोकोयो और लूला? और ये तितली फूल पर जा बैठी है। ओ ये आया पोकोयो। जैसा कि मैं कह रहा था पोकोयो, तुम बड़ी ही आसानी से पोकोयो। पर लगता है तितली को लूला से भी बात करनी है। ये तो लूला की नाक पर जा बैठी है। पोकोयो रुको, तुम शायद ये पेटो है, लगता है कसरत कर रहा है। अरे वाह, पेटो तो अपनी सेहत को लेकर काफी सजग है। पर ये तितली तो यहाँ भी आ गई, ये शायद पेटो के साथ भी खेलना चाहती है। पोकोयो तुम्हें कोशिश करनी चाहिए कि तुम थोड़ा आराम से धीमे बोलो। लेकिन ये पेटो कहाँ गया? पेटो वो अच्छा तुम यहाँ हो पेटो, पर ये तुम सब तरफ क्या खोज रहे हो? तितली उस तरफ गई है पेटो, चलो देखते हैं तितली इस बार गई कहाँ है। ये रही तितली। और ये कौन है? अरे हाँ ये तो एली है, जो यहाँ धूप में आराम फरमा रही है। ये तितली तो एली से भी कुछ कहना चाहती है शायद। लगता है एली को भी ये पसंद आ गई है। और ये आया हमारा पोकोयो कूदते खेलते। ये क्या किया पोकोयो? एली आराम कर रही थी, उसे गिरा दिया। एली तुम ठीक हो ना? तितली हाँ, फिर से तितली ढूंढ रहे हो। पोकोयो अगर मैं कोई सलाह दूं तो अच्छा ये यहाँ है। तितली तितली क्या चल रहा है पोकोयो के दिमाग में? तितली क्या तुम्हें पता है कि ये सोंदू चिड़िया के श का मतलब क्या है? क्या आप में से कोई पोकोयो को बता सकता है कि ये सोंदू चिड़िया के श का मतलब क्या है? चुपचाप चुप रहो। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे पोकोयो, इसका मतलब शांत रहना है। ये कमाल का तरीका है। वैसे ये बात मैं खुद पहले तुम्हें ही कहने वाला था जब माफ करना,
कहने का मतलब तितली शोर से डरती है। बिल्कुल सही, बेहतर है शांत रहो, तुम्हें तितली को डराना नहीं है। बहुत अच्छे, कमाल है पोकोयो। अरे बाबा माफ करना, कमाल है पोकोयो। बाय, फिर मिलेंगे। ये तो लूला है। नमस्ते लूला। ओ, न जाने ये क्या ढूंढ रही है। दिखने से तो वो बड़ी आतुर लग रही है ना। अरे वाह, एक बुलबुला। तो शायद लूला इसी के इंतजार में थी। संभल के लूला, तुम इसको फोड़ दोगी। ओ, ये बुलबुले बहुत आसानी से फूट जाते हैं लूला। नीचे नहीं, वो तुम्हारे ऊपर है लूला, जल्दी। देखो तो लूला कितनी फुर्ती से बुलबुले फोड़ रही है। ओ नहीं, ये तो फंस गया। अब क्या करोगी लूला? अच्छा, क्या तुम जानती हो कि जहाँ ये बुलबुले होते हैं वहाँ कोई ना कोई उन्हें बना रहा होता है। क्या आप में से कोई जानता है कि ये बुलबुले कौन बना रहा है? पोकोयो। बिल्कुल सही, ये है पोकोयो और एली भी। नमस्ते पोकोयो। नमस्ते एली। नमस्ते। अच्छा, तो वो तुम थे जो बुलबुले बना रहे थे। क्या तुम हमें भी सिखा सकते हो कैसे बनाए पोकोयो? पहले अच्छा, फिर ये ओ ऐसे। अच्छा, तो तुम बुलबुले के पानी में डंडी डालते हो, फिर बुलबुले बनाने के लिए उसमें फूंक मारते हो। ये तो कमाल है बुलबुले। ये तो आसान है। देखो अब ये अली भी बुलबुले बनाना चाहती है। क्यों है ना ये बुलबुले शानदार। अली, ये तुम क्या कर रही हो? अरे देखो जरा, ये बुलबुला कितना बड़ा है। ये तो लूला की पहुंच से बाहर है। वाह क्या बात है, बहुत अच्छे अली। शैतान पोकोयो, देखो तो बुलबुले। ये दोनों ही शैतानी कर रहे हैं। ये क्या? अरे नहीं, बस रुक जाओ तुम दोनों। अरे नहीं, ये क्या किया? हम सबको कितना मजा आ रहा था। बावरी। दोस्तों, लगता है एली और पोकोयो एक दूसरे से नाराज हो गए हैं। देखो तो बेचारी लूला को, ये बुलबुलों से खेलना चाहती है। ओ, क्या तुम लूला के लिए कुछ बुलबुले नहीं बना सकते पोकोयो? नहीं बन रहे। क्या तुम कर सकती हो एली, लूला के लिए सिर्फ एक बुलबुला?
लगता है लूला को अब बुलबुले नहीं मिलेंगे। कितनी बुरी बात है कि अब बुलबुले बन ही नहीं सकेंगे, है ना? रोने का अब कोई फायदा नहीं लूला। पोकोयो अब लूला के लिए बुलबुले नहीं बना पाएगा और ना ही एली। चलो अब देखते हैं, पोकोयो बुलबुले के पानी के बिना बुलबुले नहीं बना सकता और बिना डंडी के एली भी बुलबुले नहीं बना सकती है। और क्या बुलबुले बनाने में आप में से कोई पोकोयो और एली की मदद कर सकता है? मिलकर, दोनों को मिलकर। अब ये हुई ना बात। चलो चलो, तुम दोनों सोच क्या रहे हो? लड़ाई लड़ाई माफ करो, साथ में मिलकर बुलबुले बनाओ। हाँ, अब ये सही है। बुलबुले। बहुत अच्छे पोकोयो और एली, आज तुम दोनों दोस्ती का पहला उसूल समझ गए, मिलजुल कर काम करना। हाँ, और है ना ये और भी ज्यादा मजेदार, दोस्तों के साथ मिलकर खेलना है सबसे मजेदार। लगता है लूला से बेहतर ये कोई नहीं समझा है। वाह पोकोयो, एली और लूला को भी अलविदा, फिर मिलेंगे।